हेलो होटेलियर्स, क्या आपके भी होटल में booking.com के गेस्ट नो शो हो जाते हैं, जिससे चलते आपके होटल के रूम्स लास्ट मिनट खाली चले जाते हैं एंड इवेंचुअली आपके होटल्स की रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाती है? तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स में जिससे आप आपके booking.com के नो शोज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इनेबल क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, जैसा कि हमें पता है कि booking.com के सारी बुकिंग्स पे टोटल बनती है, बट उसमें भी दो क्राइटेरिया होती है। एक बुकिंग्स जो विदाउट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बनती है एंड दूसरी बुकिंग्स जो विद क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बनती है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके होटल में आपने क्रेडिट कार्ड फीचर इनेबल कर रखा हुआ है। इससे जो भी बुकिंग्स बनेगी वो गेस्ट 50% कन्फर्म आएगा एज कम्पेयर टू द बुकिंग्स जो विदाउट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बनेगी। नंबर 2, इनेबल प्री पेमेंट पॉलिसी। ज़्यादातर होटेलियर्स को इस पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता है, पर booking.com में एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप प्री पेमेंट पॉलिसी इनेबल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी गेस्ट बुकिंग करता है आप उनके कार्ड को कभी भी चार्ज कर सकते हैं एंड इन केस आपके पास ऑफलाइन कार्ड चार्ज करने की फैसिलिटी नहीं है तो आप गेस्ट से एडवांस NEFT पेमेंट भी मंगवा सकते हैं। दिस विल इंश्योर दैट द गेस्ट इज डेफिनेटली कमिंग इन द प्रॉपर्टी। नंबर 3, जेंटल रिमाइंडर मैसेज। लास्टली आप इंश्योर करें कि आपके booking.com के गेस्ट को आप एक जेंटल रिमाइंड करें वाया कॉलिंग और मैसेजेस अबाउट देयर बुकिंग्स एंड इन केस उनका रिवर्ट नहीं आता है तो आप एक टाइमलाइन रख के उनको मैसेज कर दीजिए दैट सर, इफ वी डोंट गेट योर रिस्पॉन्स से बाय 3 PM वी हैव टू रिलीज योर रूम्स। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप आपके होटल के नो शोज रिड्यूस कर सकते हैं और एल्स यू कैन गेट इन टच विद हॉस्पिटैलिटी माइंड, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू।